नमस्कार, वशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर राज्य में मॉनसून सक्रिय है। बीते दिन राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं बाढ़ के पानी से राज्य की कई नदियां पहले से ही उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर कम हो ही रहा था कि बारिश ने फिर से तांडव मचा दिया। एक बार फिर गंगा, गंडक और बूढ़ी गंडक समेत चार नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं राज्य में बाढ़ की स्थिति और भी भयावह हो गई है। बिहार के कुल 16 जिले इस समय बाढ़ के चपेट में आए हुए हैं, चाहे वह वैशाली हो, मुंगेर, भोजपुर, कटिहार या फिर पूर्णिया। सभी जगह बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। बाढ़ की वजह से वैशाली जिले के हाजीपुर में केले की फसल पानी में डूब गया और फसल बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। वहीं लखीसराय जिले में भी किसानों के फसलों को भारी क्षति पहुंची है। बीते दिन राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों की परेशानी बना हुआ है। बीते दिन राजधानी पटना सहित कई इलाकों में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, जहां अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग पटना के अनुसार झारखंड और आस पड़ोस के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। मॉनसून ट्रफ अब गंगानगर, नारनौल, हमीरपुर, जमशेदपुर और दीघा से होकर गुजर रही है और वहां से बंगाल के पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से उत्तर पूर्वी खाड़ी में शिफ्ट हो रही है। चलिए अब जिलेवार ढंग से देखते हैं आज यानी 20 अगस्त के मौसम का हाल। आईएमडी पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ स्थानों पर आज बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार और दक्षिण पूर्व बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले के कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। विशेष रूप से राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जहां अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।